इस क्वेश्चन में कहा गया है द इंडियर एंड फॉर विच द लिमिट ऑफ दिस इज ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट याद रखने के लिए बोलूंगा। वैसे तो इसको प्रूव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इट इज बेटर टू रिमेंबर दिस डायरेक्टली, एंड दैट इज लिमिट एक्स टर्न्स जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज वन बाय टू। वैसे दो फॉर्मूला मैं और भी बताता हूं, इनको भी याद रखना चाहिए, इनका यहां पर यूज नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू रिमेंबर दिस टू फॉर्मूलाज ऑल्सो। And the formulas are limit x tends 0 sin x minus x by x cube is minus 1 by 6। Again, इसको drive करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन you should remember it directly। Similarly, limit x tends 0 tan x minus x by x cube is 1 by 3। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर देम। और एक बात और मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा, वो भी बहुत जरूरी है याद रखना, एंड दैट सेज दैट सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स की हम लिमिट निकालने जा रहे हैं, और लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स वैल्यू मेरे को पता है, तो आई कैन राइट इट एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। इसमें चाहे जी एक्स की लिमिट नहीं भी पता तो भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेरे को केवल एफ एक्स की लिमिट पता है, चाहे जी एक्स नहीं भी पता तो भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन कंडीशन यह है कि एफ एक्स की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट होनी चाहिए। दैट इज इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा कि यदि आप किसी क्वेश्चन की लिमिट निकालने जा रहे हो और क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट आपको पता है, तो अकेले उस पार्ट की लिमिट आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो और वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिविजन में हो। दूसरे पार्ट की लिमिट चाहे आपको नहीं पता कोई बात नहीं, बस जिस पार्ट की लिमिट आपको पता है और यदि वो नॉन जीरो फाइनाइट है और वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है, तो उस पार्ट की लिमिट आप ले सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में यूज करूंगा तो आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लिमिट एक्स टेंड्स जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस ईट पावर एक्स अपॉन एक्स पावर एन माइनस टू। और हम जानते हैं इसकी लिमिट 1 बाय 2 है और ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, क्योंकि इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है और ये बाकी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इसकी लिमिट ले सकता हूं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अकेले कॉस एक्स की लिमिट मैं नहीं ले सकता, चाहे कॉस एक्स की लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 में 1 है, ये कॉस एक्स जो है बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नहीं है, बीच में माइनस भी आया हुआ है, लेकिन कॉस एक्स यहां पे होता तो मैं अकेले उस कॉस एक्स की लिमिट ले सकता था। तो दिस इज इक्वल टू माइनस लिमिट एक्स टेंड्स जीरो वन बाय टू बाहर आ गया, और ये इसको मैं ईट पर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स पर एन माइनस टू बोलता हूं और बाहर मैं ले माइनस को मैं प्लस कर देता हूं। एंड नाउ एज एक्स टेंड्स जीरो न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो को टेंड करेगा प्रोवाइडेड एन माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यदि एन माइनस टू लेस देन जीरो हुआ तो एक्स ऊपर चला जाएगा तो फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा, और यदि एन माइनस टू इक्वल जीरो हुआ तो भी ये एक्स खत्म होकर वन बन जाएगा और इसकी लिमिट फिर भी जीरो आएगी, मतलब कि एन की वैल्यू दो से ज्यादा ही है, और दो से ज्यादा है तो जीरो पॉइंट जीरो वाली फॉर्म में बन गया ये, और जीरो पॉइंट जीरो वाली फॉर्म हो गई तो वी आर अलाउड टू यूज लॉपिटल्स रूल। तो आई गेट 1 बाय 2 लिमिट एक्स टेंड्स 0 ई टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एन माइनस 2 एक्स पावर एन माइनस 3। एंड नाउ एज एक्स टेंड्स 0 न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू 1, यदि एन माइनस 3 नेगेटिव हुआ तो एक्स ऊपर चला जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए एन माइनस 3 नेगेटिव नहीं हो सकता, और एन माइनस 3 पॉजिटिव हुआ तो ऊपर की लिमिट क्योंकि 1 है और डिनोमिनेटर की लिमिट 0 होगी तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए नॉन जीरो फाइनाइट, मतलब कि एन माइनस 2 नेगेटिव भी नहीं हो सकता और एन माइनस 2 पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, लेकिन यदि एन माइनस 3 इक्वल 0 हो जाए तो ऊपर की लिमिट 1 आ जाएगी और इसकी लिमिट भी 1 आ जाएगी, और फाइनल आंसर विल बी
वन बाय टू इंटू वन इक्वल टू वन बाय टू, क्योंकि एन माइनस थ्री इक्वल जीरो वाले केस में एन थ्री होगा और एन थ्री होगा तो ये वन बन जाएगा, इसकी लिमिट वन है, ये एक्स तो ये बन गया वन बाय टू इंटू वन दैट इज वन बाय टू। लेकिन ध्यान देना कि जब एन थ्री होगा ये जीरो टू पावर जीरो वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी। जीरो टू पावर जीरो वाली फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म तब बोलते हैं जब बेस और पावर दोनों जीरो को टेंड करते हैं। यदि बेस जीरो को टेंड कर रहा हो और पावर एग्जैक्ट जीरो हो तो आंसर वन आता है। मतलब कि जीरो टू पावर जीरो को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म तब बोलते हैं जब बेस और पावर दोनों जीरो को टेंड करते हैं। लेकिन इस केस में मैंने बोला है कि एन माइनस थ्री इक्वल जीरो और बेस जीरो को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू वन आएगी क्योंकि पावर एग्जैक्ट जीरो है। और इसीलिए एन माइनस थ्री इक्वल जीरो का मतलब एन इक्वल थ्री, एन इक्वल थ्री का मतलब ये वन बन गया और लिमिट आ गई वन पॉन वन दैट इज वन। तो फाइनल आंसर आ गया वन बाय टू। हैज गॉट द कंक्लूजन दैट द वैल्यू ऑफ एन इज थ्री।